अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटा डिस्कस कर रहे थे आप गेंदे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो आपको बताया था हर प्रॉपर्टी में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपैरिजन कर लिया था ऑर्गेनिक के साथ। फोर्थ प्रॉपर्टी थी डिस्कस हो गए सॉल्युबिलिटी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स ईथर हो गया जी, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं। उसकी वजह ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर कोवलेंट बांड रखते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर कोवलेंट बांड रखते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड में सॉल्व करें। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव नॉन पोलर कोवलेंट बांड एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर, बेंजीन, अल्कोहल आल्सो हैव नॉन पोलर कोवलेंट बांड। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, उसकी रीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन पोलर बांड है और पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर इनमें पोलर बांड है। नॉन पोलर कंपाउंड पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं है। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दूसरी तरफ वो पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व है ड्यू टू आयोनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है क्योंकि दोनों में नॉन पोलर बांड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड है नॉन पोलर बांड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन पोलर बांड है, वाटर है पोलर कोवलेंट बांड, पानी में पोलर कोवलेंट बांड है, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट जैसा पानी उसमें हल हो जाते हैं। बिकॉज इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आयोनिक बांड क्योंकि इनमें कौन सा बांड है जी आयोनिक, इससे वो पानी में सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी देखा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नॉन पोलर कोवलेंट बांड है, कोवलेंट बांड है और जो कोवलेंट बांड है कोवलेंट बांड इज वीक बांड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, कम होते हैं। व्हाई? ड्यू टू कोवलेंट बांड एंड कोवलेंट बांड इज अ वीक बांड। इनमें कोवलेंट बांड है, कोवलेंट बांड वीक बांड है, थोड़ी सी हीट देने से बांड टूटेगा, मेल्ट बॉइल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें आयोनिक बांड है, आयोनिक बांड इज अ स्ट्रॉन्ग बांड, आयोनिक बांड स्ट्रॉन्ग बांड है, इसलिए इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू कोवेलेंट बांड, कोवेलेंट बांड की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। व्हाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू आयोनिक बांड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आयोनिक बांड की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस। अब अभी आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, कोवलेंट बांड की वजह से स्टेबल है, थोड़ी सी हीट देने से मेल्ट बॉइल हो जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू कोवलेंट बांड, हेंस दे आर लेस स्टेबल। या अब इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है कोवलेंट बांड की वजह से तो कम स्टेबल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आयोनिक बांड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनऑर्गेनिक में आयोनिक बांड है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सो दे आर मोर स्टेबल। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट को पास करने की सलाहियत। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बांड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बांड है, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ड्यू टू कोवलेंट बांड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाकिस कंडक्टर है कोवलेंट बांड की वजह से। व्हाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ड्यू टू आयोनिक बांड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेहतरीन कंडक्टर है किसकी वजह से? आयोनिक बांड की वजह से, बट इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। लेकिन उनके आयन तब फ्री होंगे जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे या मोल्टन फॉर्म में पिघली हुई शक्ल में होंगे। सो व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर? बिकॉज ऑफ कोवलेंट बांड, कोवलेंट बांड की वजह से नाकिस कंडक्टर है। व्हाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन मोल्टन फॉर्म, वो सॉल्यूशन पिघली या में क्यों अच्छे कंडक्टर है? ड्यू टू आयोनिक बांड, आयोनिक बांड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंबस्टर कनेक्टिविटी, आदर्शगिरी जलने की सलाहियत। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मेन एलिमेंट कार्बन है, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है और जिसमें परसेंटेज कार्बन की ज्यादा हो वो बहुत ज्यादा जलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाईली कंबस्टिबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत आदर्शगिरी है, तेजी से आप पेट्रोल देख लें, ऑक्टेन पेट्रोल आदर्शगिरी है। व्हाई? ड्यू टू मोर परसेंटेज
चलेंगे आपका भी, इनमें कार्बन के अमाउंट ज्यादा है इसलिए बहुत तेजी से जलते हैं। दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर नॉन कंबसिबल, वो गैर तश्कीर वो नहीं जलते। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाईली कंबसिबल, ज्यादा कार्बन की वजह से मोर अमाउंट ऑफ कार्बन, मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म ये वो मेन रीजन है जिससे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइसोमरिज्म पहले डिस्कस हो चुका है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन कंपाउंड वो आइसोमरिज्म शो करते हैं, इनऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म है इनऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म नहीं है। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज होगी, इंग्लिश मीडियम के टॉपिक 60 और 61 पेज पे मिलेगा और उर्दू मीडियम को 73 और 74 पेज। अल्लाह हाफिज़ की अमानत।